का रेनोवेशन किया है, तो बहुत खराब हालत में था, उसको रेनोवेट किया है, बहुत अच्छा। पिघलकर ऊपर की ओर खिसकते जा रहे हैं, उसके कारण पहाड़ों में बसने वाली आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने की राह सुझाई श्री सी नॉरफेल ने सेवानिवृत्त सरकारी अभियंता श्री नॉरफेल आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं। इनके कुशल नेतृत्व में लद्दाख में हिमशैलों से पिघलकर बहे पानी द्वारा कृत्रिम हिमशैलों के सृजन का सफल प्रयोग हुआ। हिमशैलों की तब इसका प्रयोग सिंचाई तथा अन्य कामों के लिए किया जाता है। यह प्रयोग भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अमल में लाया जा सकता है। जल प्रदूषण और स्वच्छ पानी का बहाव हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है इस समस्या का समाधान। आज स्वच्छ जल संरक्षण हमारे कल को सुरक्षित बनाएगा। पानी जीवन के लिए तो अमृत है ही, हमारी समृद्धि का भी साधन है। पानी को बचाने के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। याद रखिए, जल है तो कल है। आप देखें तो ह्यूमन बॉडी में 60-70% तक जो है पानी है, और डिफरेंट उसमें जैसे स्किन में लिखा 70% वाटर है। जितने आपके जो हार्ट एंड ब्रेन है वो 75% वाटर है। इस तरह से जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो 70% तक वाटर से ही बनी हुई है, और वाटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है। जब आप सुनते होंगे कि डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है और इंसान बीमार पड़ता है और कई बार उसकी मृत्यु तक हो जाती है। पानी की इम्पोर्टेंस बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है। अब जो पानी के वाटर कंजर्वेशन के इश्यूज़ हैं वो क्या है, दो तरह के बेसिक इशूज़ हैं। एक है वाटर क्वान्टिटी, दूसरा है वाटर क्वालिटी। क्वान्टिटी मतलब कितना पानी आपको उपलब्ध है, और क्वालिटी मतलब किस क्वालिटी का पानी आपको उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि पानी बहुत है आपके पास लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो आपके लिए बेकार है। सी वाटर है तो खारा है, इसलिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आजकल उसको खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए टेक्निक्स आ गई है, डीसैलिनेशन दुबई में होता है, इंडिया में भी हो रहा है, चेन्नई और कॉस्टली है, लेकिन उसको भी हम कॉस्ट कम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे और लेक्स हैं, जैसे आपने बेंगलोर में सुना होगा, हैदराबाद में कुछ लेक्स ऐसी हैं कि जो बिल्कुल पॉल्यूट हो गई, उसका पानी आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। देखने के लिए आपके पास बहुत बड़ा पानी का सोर्स है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दो इशूज हैं, क्वान्टिटी और क्वालिटी, दोनों को आपको ध्यान देना।
Thank you.